नमस्कार सबको। कुछ दिन लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। मेरे घर में कुछ मेडिकल इश्यूज चल रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, सॉरी। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट आई एम जस्ट वांट टू से दैट आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक। सभी है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, होस्टेड पैक फाइल। तो आपने सभी सुना है कि पैक फाइल, पैक फाइल, पैक फाइल, एक्चुअली होता क्या है पहले वो हम लोग समझेंगे। उसके बाद पैक फाइल का यूजेस क्या है, कस्टम पैक फाइल क्या है, कैसे हम लोग पैक फाइल एडिट करेंगे, मैं मॉडिफाई करके भी दिखाऊंगा सब पे। तो मैंने दो ये डॉक्यूमेंट्स बना लिए। जैसे पहले देखते हैं पैक फाइल क्या है, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पैक फाइल प्रो, ये मैंने अप्रॉक्सी ऑटो कॉन्फिगरेशन, उसको शॉर्ट में पैक कहते हैं। फाइल इज टेक्स फाइल दैट इंश्योर टू ब्राउज द फॉरवर्डिंग ट्राफिक टू अ प्रॉक्सी सर्वर इंस्टेड ऑफ टू अ डायरेक्ट डेस्टिनेशन सर्वर। इट कंटेन द जावा स्क्रिप्ट दैट प्रॉक्सी सर्वर टू ऑप्शनल एडिशनल। तो ये कह रहा है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है, वो जावा स्क्रिप्ट के करते हैं, या आपको डायरेक्ट जो डेस्टिनेशन सर्वर है उसको नहीं करता है, इंस्टेड डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन सर्वर। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर को इंस्टेंट और डायरेक्ट टू द डेस्टिनेशन सर्वर, मतलब अगर गूगल जाना चाहते हो तो गूगल को नहीं फॉरवर्ड करते, ये प्रॉक्सी सर्वर को फॉरवर्ड करते हैं जो आपको आपने दिया रखा। ठीक है, तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं थोड़े धीरे से स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा एक बार, मैं जिस्ट बता देता हूँ, नहीं तो ये पूरा पढ़ने जाएंगे तो 2 घंटा का हो जाएगा, बहुत बड़ा है टॉपिक। देखिए और एक मैं छोटा चीज बता देता हूँ, यहाँ पे छोटा नहीं है, जो होता क्या है। सोचिए मैंने अभी अपने इंटरनेट से ये मैंने मेरा फायरवॉल मैंने अभी डाला है गूगल, तो मेरे पास कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये चला जाएगा इंटरनेट पे। ठीक है, डन। लेकिन जब अब बैक फाइल होगा, तब जब इन बिटवीन मेरा पैक फाइल होगा, तब मैं जब वे ना यूजर ओपन अ ब्राउजर टू ब्राउज सेंड रिक्वेस्ट टू द पैक फाइल, जब मैं ये करूंगा तो मेरे पास एक पैक फाइल आएगा। पैक फाइल कैसे होगा, देखिए यहाँ से जाइए, वो मैंने पहले भी दिखाया जो प्रॉक्सी सेटिंग्स होता है, यहाँ पे प्रॉक्सी लिख दी पी आर ओ एक्स, यहाँ पे आपको वो एड्रेस दिखेगा। ठीक है, जो HTTP करके कोलोन पैक जो आप नाम देंगे उस बेस पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा पैक का, हर एक पैक फाइल का नाम होता है। ठीक है, तो ये देखिए ये लिखा है HTTPS, ये वाला आपको दिखेगा वहां पे अगर आप यूज कर रहे हैं। अब डिपेंड करता है आप कैसे यूज कर रहे हो, इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट, उस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा वो एड्रेस। ठीक है, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में है क्या इम्प्लिसिट है क्या एक्सप्लिसिट है, ठीक है, जो भी है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, टाइम वेस्ट नहीं कर। तो उसके बाद देखिए ये मैं ब्राउजर ओपन किया, मैंने गूगल टाइप किया, तो रिक्वेस्ट कहाँ जा रहा है पहले, ठीक है, वो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट पैक फाइल पे जा रहा है। ये जो पैक फाइल है कहाँ पे है, मेरे ब्राउजर में वहीं पे है। नेक्स्ट क्या है, जिस क्लब पब्लिक सर्विस, फाइंड द पब्लिक सर्विसेज नियरेस्ट। अब क्या करेगा, वो इंटरनेट के लिए जा रहा है, तो क्या होगा, उसको फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट हॉप, जो हमारा होता है ना गेटवे के बाहर निकल के नेक्स्ट हॉप में, जिस क्लब पब्लिक सर्विस, जिस क्लब क्या सर्च करेगा, भाई मेरे पास नियरेस्ट कौन सा है, मतलब पास वाला कौन से, उसके पकड़ेगा। देखिए इसके पास दो है, एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है, तो उसने पकड़ा किसको, प्राइमरी को पकड़ा। ठीक है, अगर प्राइमरी डाउन है तो देन इट विल गो फॉर सेकेंडरी, ऑटोमेटिकली जाएगा अगर आप वहां पे सेकेंडरी कॉन्फ़िगर करते हो तो टनल पे। देन थर्ड, द सर्विस रिटर्न द ब्राउजर पैक फाइल विद द प्राइमरी और सेकेंडरी पब्लिक सर्विसेज आईपी एड्रेस। उसके बाद इसके पास फिर वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी पब्लिक सर्विसेज, जो प्राइमरी पब्लिक आईपी है जिस कलर का उसके पास आएगा। देन द ब्राउजर फॉरवर्डेड वेब ट्रैफिक प्राइमरी जिस कलर पब्लिक सर्विसेज, प्राइमरी है सेकेंडरी उसके पास है, वो प्राइमरी को फॉरवर्ड करेगा। फिर आपके पास ये गूगल फेसबुक यूट्यूब जो भी आपको एक्सेस करना है कर लो। तो ये है फैक फाइल का कंसेप्ट। ठीक है, ये आपके ब्राउजर में पड़ा रहता है। यहाँ पे और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो ये मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। अब देखिए होस्टेड फैक फाइल ये है क्या चीज, जी क्लर पब्लिक सर्विसेज होस्ट होस्ट फोर डिफॉल्ट पैक फाइल फोर। ठीक है, चार डिफॉल्ट पैक फाइल है, एक है रिकमेंडेड, मैं हाईलाइट करता हूँ रिकमेंडेड पैक, ठीक है, प्रॉक्सी पैक, मोबाइल प्रॉक्सी पैक, और एक होता है कार्बोरस पैक। ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके पास, मैं देख लेता हूँ डिफॉल्ट में क्या क्या है, प्रॉक्सी, रिकमेंडेड पैक, मोबाइल पैक, कार्बोरस पैक। देखिए ये चार है,
यू कैन नॉट मॉडिफाई इट, क्या मॉडिफाई डिलीट कुछ नहीं कर पाओगे, इसको आप देख पाओगे मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, डिलीट भी नहीं होगा। देखो ये कैसे आ रहा है, ठीक है जैसे आएगा इसको आप डिलीट मॉडिफाई कुछ नहीं कर, शायद ये लिखा भी होगा द फाइल आर कॉन्फिगर्ड टू ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ऑल ब्राउजर ट्रैफिक टू नियरेस्ट जीस्क्लेयर पब्लिक सर्विसेज, में हम लोगों ने अभी पढ़ा उसको, द डिफॉल्ट पैक फाइल आर नॉन एडिटेबल बट यू कैन कॉपी देम टू क्रिएट एंड बिल्ड अ कस्टम पैक फाइल, आप उसको मॉडिफाई नहीं करते और नॉन एडिटेबल, एडिट नहीं होगा वो, बट यू कैन कॉपी, यही नॉर्मल रिकमेंडेशन है कि आप कॉपी खुद से एक्सपेरिमेंट करके पैक फाइल मत बनाओ, एक को कॉपी करो देन यू कैन मॉडिफाई इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सिंपल एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या दिया है एक्सपोर्ट, आप इसको एक्सपोर्ट करो, ठीक है पैक फाइल, देखो पैक फाइल के हिसाब से आया, मैं कह रहा हूँ टेक्स्ट में करो, टेक्स्ट के हिसाब से आएगा। अब मैं सारे को ओपन कर रहा हूँ, देखिए कैसे आ रहा है, दिख रहा है आपको? तो व्हाट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिस, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू लेता हूँ, इसको पेस्ट करो, दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन एडिट इट, ठीक है। अब इसके बाद नोट पैड प्लस प्लस में लेके जाओ, आपको क्या एडिट करना है क्या ऐड करना है सब आप यहाँ से कर पाओगे, ठीक है। कैसे, ये जो है सिर्फ आपको सिंटेक्स देख लेना है कि कौन सा लाइन पे क्या है, मैं दिखाता हूँ ये नेक्स्ट, पहले पढ़ लेते हैं, नहीं तो टाइम आप लोगों का निकल जा रहा है। उसके बाद देखिए टू यूज पैक फाइल विद, कहाँ पे थे हम लोग, इफ नेसेसरी, ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए समझने के लिए, इफ नेसेसरी योर ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज मोर देन वन पैक फाइल, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज वन पैक फाइल फॉर मोबाइल डिवाइस एंड अनदर पैक फाइल फॉर अदर डिवाइस, यूज कार्बोरस, कार्बोरस के लिए कार्बोरस ऑथेंटिकेशन चाहिए, टू फॉरवर्ड द वेव ट्राफिक टू द जी स्केलर सर्विस यू कैन यूज द डिफॉल्ट पैक फाइल और कस्टम पैक फाइल, पैक फाइल्स पैक सर्वर सपोर्ट बोथ HTTP HTTP, हाउएवर द HTTP इज रिकमेंडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस, तो कह रहे हैं HTTP HTTP हम लोग सपोर्ट करते हैं भाई भाई, लेकिन तुम HTTP AC करना, ठीक है। टू यूज पैक फाइल HTTPS चेंज पैक फाइल URL सेटिंग्स फ्रॉम HTTP टू HTTPS, ठीक है, और सेटिंग्स पे चेंज करना होगा। अब देखो यहाँ पे दे दे रहा है होस्टेड पैक फाइल क्लाउड इंश्योर द एस्टैब्लिश पैक फाइल इन एन इंश्योर अप टाइम था, अच्छा होस्टेड पैक फाइल कैन ऑल्सो लेवरेज फॉर जी स्केलर पब्लिक सर्विसेज हो न्यूज, बहुत कुछ दिया है कैसे राइट करो वो हम लोग बाद में आएंगे, ऐड कस्टम पैक फाइल, कैसे कस्टम पैक फाइल को ऐड करोगे, यू कैन 10 पैक फाइल आप ऐड कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, सर्च ए पैक फाइल व्यू डिफॉल्ट कस्टम पैक फाइल फॉर ईच पैक फाइल यू व्यू द फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन, क्या क्या है उसका है, नाम होगा पैक फाइल का, एक डिस्क्रिप्शन होगा, डोमेन्स हो गए, होस्टेड यूआरएल होगा, स्टेटस होगा, कैन व्यू वेरीफाई डिफॉल्ट पैक फाइल जिस कलर पोर्टल एरर एक्सेप्टेंस, ठीक है, नेम ये सब होगा, मैनेज वेरीफाई कस्टम पैक फाइल है पीसीए टेक्स्ट, आपको एक्सपोर्ट कैसे करोगे, अभी हमने जो एक्सपोर्ट किया है, ठीक है, प्रीव्यू कैसे करोगे, डिलीट कैसे करोगे, डिलीट तो डिलीट करके डिलीट पहले देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैं तो इसको बड़ा कर देता, नहीं, अब आया मजा, अब आएगा मजा ब्लू, अब आएगा, मैं मूवी देखने का थोड़ा शौकीन हूँ, अच्छा लगता है, नहीं साउथ इंडियन ही ज्यादा अभी तो देखता हूँ, उन लोगों का कंसेप्ट है, कल्चर का रिस्पेक्ट है, चलिए मूवी का बाद में बात कर, यूजिंग कस्टम पैक फाइल फॉरवर्डिंग ट्रैफिक, देखो कस्टम पैक फाइल कैसे फॉरवर्डिंग यूज करोगे जिसके अलाउड टू बेस्ट ऑफ अप टू 10 वेरियस कस्टम पैक फाइल टाइम इन द जीस्केल एडमिन पोर्टल, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना करेगा 10, यू कैन क्रिएट मल्टीपल वेरियस सेम पैक फाइल स्टार्ट कैन टेस्टिंग बिफोर डिप्लॉइंग, टेस्ट कर लेना, यू कैन ऐड पैक फाइल टू चेक द सिंटेक्स करेक्शन एरर बिफोर सेव इट, कैसे चेक करोगे वो भी हम दिखाते हैं आपको बाद में, बाय डिफॉल्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैक फाइल एलाउ,
ये जे टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ पैक फाइल टू, या तो तो यही है, बाय डिफॉल्ट द मैक्सिमम पैक फाइल साइज अलाउ पर ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्रीज द लिमिट पैक फाइल या तो कंटेंट डिस्क्लेयर सपोर्ट। अच्छा, मतलब पैसा चाहिए होगा तो आपको कर देगा शायद, मुझे नहीं, इसका मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो आप कैसे, कहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम सब दिखाएंगे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, रिक्वायर्ड क्या है, कस्टम पैक फाइल क्या है, ऐड टू पे पैक फाइल जैसे जिस कहाँ से पैक फाइल देखोगे। मैंने पहले दिखा एडमिनिस्ट्रेटर होस्टेड पैक फाइल, देखो वही कह रहा है, गो टू एडमिनिस्ट्रेटर होस्टेड पैक फाइल, दिस पेज लिस्टेड डिफॉल्ट पैक फाइल अंदर कस्टम पैक फाइल और अपलोडेड जिस क्लस सर्विसेज, क्लिक ऐड, कहाँ पे ऐड करोगे। देखिए मेरे पास तो ऐड यहाँ पे ही ऑप्शन रहता है ऐड, देखे हम लोग दिखाते हैं कैसे होता है। यू कैन मॉडिफाई से पैक फाइल जिन्हें पैक फाइल कंटेंट टाइप द कॉपी पेस्ट जावास्क्रिप्ट लर्न मोर रीडिंग पैक फाइल, हम ये हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉपी एक्सटेंडेड पैक फाइल, देखिए यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं छोटे से ही करके कर रहा हूँ, उन लोग बहुत डिस्क्रिप्शन दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैनेज डिफॉल्ट वर्जन ऑफ कैसे करोगे। ठीक है, मैं वो नेक्स्ट स्टेप देखो, डिस्क्राइब पैक फाइल यूजर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैक फाइल यूजर है। ठीक है, ये पैक फाइल का सैंपल्स हैं, डाउनलोड मोजिला, हाँ यहाँ पे ये जीपीओ भेज दिया है, कैसे करोगे जीपीओ से, मतलब ग्रुप पॉलिसी, ये आपका काम फिर भी नहीं है, लेकिन ये विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, वो क्या कर देगा आपको, आपको सिर्फ वो होस्टेड पैक फाइल देना है, दे विल डू इट। देखो ये कहाँ से जाके लिंक एनेबल करना होता है, उसके बाद जो पैक फाइल यूआरएल है वो आपको देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद कंप्यूटर में जाने के बाद मोजिला फायरफॉक्स में भी डालना है। ठीक है, ये विंडोज का काम है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट मोजिला फायरफॉक्स, ये हम विंडोज मशीन में है सारे, देख रहे हैं, तो ये वहां पे जाके काम करना होगा, इनेबल करना होगा, डू नॉट अलाउ प्रॉक्सी सेटिंग्स टू बी चेंज, मैंने मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन, ये देखिए पैक फाइल जो हमने दिया है उसको, या उसके बाद ओके करेगा, सेव करेगा, ये जीपीओ का है, ग्रुप पॉलिसी से वो लोग पुश कर देंगे, तो आपका काम डिफरेंट, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए है, बाकी बहुत सारे हैं, यही प्रॉब्लम है सर्विस वाले। यहाँ पे ये डायल अप नेवर डायल ऑलवेज, ये लैन सेटिंग्स में अगर सिस्टम में जाके आप कहाँ से पैक फाइल एडिट करोगे, ये शायद आप लोगों को पता है, ये दो दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है शायद, नहीं सबको ही पता है क्या करना है, नहीं मैंने अभी दिखाया, जहाँ पे आप यहाँ से भी जाते हैं लैन सेटिंग से भी जा सकते हो, विंडोज आर करो, एनसीपीए सीपीएल करो, देखिए ये मैनुअल हो जाएगा, ये तो रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आप हर सिस्टम में जाके मैनुअल को नहीं कर सकते। ठीक है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज एडवांस, अरे किधर गया, सॉरी, एनसेल कॉन्फ़िगरेशन, किधर से जाते हैं, अब मैं भूल गया, अरे प्रॉपर्टीज, इसके बाद कहाँ से आते हैं, टीसीपी आईपी फोर, ये प्रॉपर्टी सी के अंदर रहता है, तो लैन सेटिंग्स कहाँ पे है, डीएनएस वेंस भूल गया भाई, अरे 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 कहाँ से भूल गया, अरे इंटरनेट एक्सप्लोरर कनेक्शन,
अरे मैं भी भूल गया कहाँ से गया। एक मिनट दिखाते हैं। चलो ये कहाँ से जाते हैं भाई। डायग्नोस्टिक प्रोग्राम डिटेल्स नहीं, प्रॉपर्टीज यहीं से तो जाते थे, भूल गया क्या। अच्छा देखते हैं ये कहाँ पर है। लैंड सेटिंग फॉर प्रॉक्सी, लैंड सेटिंग गो टू नेटवर्क इंटरनेट। अच्छा वो डायरेक्ट दिखा रहा है, ठीक है समझ गया। ये आपको वहीं से तो दिखाता था, ये यहाँ से दिखा क्यों नहीं रहा है भाई। इंटरनेट ऑप्शन, कनेक्शन, लैन सेटिंग्स। अच्छा यहाँ से ये ही है तो ब्राउजर से यहीं से है, ठीक है। चलिए ओ आगे बढ़ते हैं। ये दिखा दिया कैसे कॉन्फ़िगर होगा। सी इमेज देखिए, इनेबल डिसेबल जो भी है, ठीक है। इसमें हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे भी मिल जाए। ये हो गया एक सेटिंग्स। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट कैसे करोगे, जी पैक फाइल को कैसे राइट करोगे। देखो पैक फाइल को राइट करने के लिए मतलब एडिट, राइट का मतलब यहाँ पे एडिट है, मॉडिफाई है, जो भी है आपको करने के लिए दे रहा है। देखिए दिस जिस कलर पैक पे हाई रिकमेंडेड दैट यू कॉपी कॉपी दे, पहले भी बताया कॉपी एंड पेस्ट एनी वन ऑफ द वो डिफॉल्ट पैक फाइल रिकमेंडेड, ये जो है उसके बाद उसको मॉडिफाई करने के लिए कह रहा है। बिल्ड यू पीसी वन यून टाइम सेव एंड टेस्ट द ईच कनेक्शन बिफोर यू द बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये हम देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस का लास्ट में देखेंगे। द मैक्सिमम साइज जो पहले भी बता चुके हैं इसको अपडेट करने के लिए सेम ये लोग बता रहे हैं। अब देखो ये फॉर फाइंड प्रॉक्सी यूआरएल फंक्शन, ये पैक फाइल मास्ट स्टार्ट विद द ओपनिंग फंक्शन, ये होता है द फर्स्ट टाइम द फंक्शन एड यूआरएल होस्ट नेम आईपी एड्रेस एडिशनल प्रॉक्सी रिक्वेस्ट द यूआरएल विजिबल मास्ट कंटेन द यूआरएल दैट इज, ऐसा करके होता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट देखिए आप रिटर्न, यहाँ पे तीन चार ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है रिटर्न, नहीं तो रिटर्न डायरेक्ट, देखो यही सब एक इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, योलो रेड रेड योलो इसको बोल्ड भी करो, ठीक है। एक ऑप्शन है रिटर्न, ठीक है। रिटर्न में क्या क्या आता है ये फंक्शन है, ये एक ऑप्शन है, दो दो तीन, ठीक है। एक्सक्लूड एफ टी पी ये एक है, रिटर्न इंटरनेट होस्ट, ठीक है। एक्सक्लूड इंटरनेट ऑप्शन, कैसे आप एक्सक्लूड इंक्लूड करोगे ना, अगर आपके पास कुछ है उसको एक्सक्लूड इंक्लूड करना होगा ना आपको, तो उसका ही ये कैसे करोगे वही यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंक्लूड सर्वर अगर इंक्लूड करना चाहते हो, एक्सक्लूडिंग सॉरी यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है, मैंने इंक्लूड पढ़ लिया। स्पेशल्स कुछ वेरिएबल्स हैं स्पेसिफिक, देखो ये मैं बताता हूँ, पहले ऊपर जाते हैं जहां से हम लोग रेड स्टार्ट किए। इधर है बापू, ये पहला रिटर्न स्टेटमेंट देखो, एंटायर रिटर्न स्टेटमेंट इज क्रूएली क्या लिखा है, बार बैरिकेड्स, अच्छा जो ये दिया हुआ है ये ब्रैकेट्स आफ्टर ईच एग्रीमेंट। तो अगर आपको रिटर्न करना, एक यहाँ से देखो रिटर्न का कैसे करोगे, आपको प्रॉक्सी रिटर्न करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट होगा, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न गेटवे, उसके बाद ये द रिटर्न स्टेटमेंट डायरेक्ट रिक्वेस्ट टू प्रॉक्सी और स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन,
फॉर एग्जाम्पल देखो, फंक्शन ये दिया यू आर एल होस्ट, रिटर्न के लिए ए रिटर्न स्टेटमेंट एक्सेप्ट वन ऑफ टू वैल्यू डायरेक्ट और टेल, दो ऑप्शन है कि डायरेक्ट है कि प्रॉक्सी। डायरेक्ट टेल दैट ब्राउजर टू बाईपास द प्रॉक्सी एंड गो डायरेक्ट टू द डेस्टिनेशन सर्वर। मतलब सिंपल समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यही आपको ज्यादातर जगह लिखने के लिए बोला जाता है। एक है रिटर्न, एक है डायरेक्ट। सॉरी योलो, थोड़ा रेट थोड़ा ज्यादा हो गया। हाँ इसको ही योलो करते हैं, ब्यूटीफुल, इसको भी योलो कर दे। डायरेक्ट मतलब भाई डायरेक्ट पहुंच जा, मुझे नहीं पता, डायरेक्ट चला जा मतलब क्या है, आपको डायरेक्ट भेज रहा है। आपने यहाँ पे लिखा है रिटर्न, डायरेक्ट अगर लिख देते हैं नीचे डायरेक्ट रिटर्न और डायरेक्ट, मतलब अगर आपको गूगल में जाना है डायरेक्ट, तो प्रॉक्सी होके नहीं जाएगा, आपको बहुत सारा ऐसा आएगा जो आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वहां पे आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा। जब का इंटरनल सर्वर्स हैं उसको आपको प्रॉक्सी में नहीं जाना है। प्रॉक्सी टेल द ब्राउजर टू सेंड द रिक्वेस्ट टू द प्रॉक्सी, मतलब इंटरनेट यहाँ पे एक प्रॉक्सी में जाएगा, एक प्रॉक्सी में नहीं जाएगा, ये सिंपल लॉजिक है। यही द डायरेक्ट और प्रॉक्सी वैल्यू मस्ट बी अपर केस कैरेक्टर एंड इनक्लोज इन कोटेशन मार्क। देखो कोटेशन मार्क हम दिखा रहे हैं, ये देखो ये कोटेशन मार्क प्रॉक्सी रीडर, ठीक है। एंड सी, ये मुझे इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, सेमी कोलोन, अच्छा सेमी कोलोन इमीडिएटली आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ कोटेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल देखो रिटर्न डायरेक्ट, ये सेमी कोलोन देना पड़ेगा, डायरेक्ट होगा कौन सा और प्रॉक्सी में जाएगा कौन सा, ये दो भाई आप लोगों को बहुत ध्यान से काम करना होगा, याद रखना। फॉर ईच प्रॉक्सी स्टेटमेंट मस्ट स्पेसिफाई द फुली इक्वालिटी होस्ट नेम ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ द प्रॉक्सी ऑफ द पोर्ट। आईपी एड्रेस आर जनरली डिस्को अरेज बिकॉज दे आर कैन चेंज एनी टाइम, जी स्केलर रिकमेंड। अच्छा समझ गया, आपको कह रहा है कि आईपी एड्रेस मत दो, आप चाहो तो यूआरएल यूज करो। क्या यूआरएल को सेम रहता है, बैकएंड में पब्लिक आईपी चेंज होता जाता है। वेरिएबल कैसे कैसे यूज कर सकते हो, गेटवे कर सकते हो, सेकेंडरी गेटवे इंस्टेड, यू कैन ऑर्गेनाइजेशन यूज द सेकेंड यूज द वेरिएबल गेटवे सब जी स्केलर, ये एक ऑप्शन है। जी स्केलर पब्लिक सर्विस एक्सेप्ट वेब प्रॉक्सी, देखो प्रॉक्सी पोर्ट भी हो सर्विसेज यूज कर सकता है, पोर्ट यूज द ऑलमोस्ट द पोर्ट कोलोन देखिए यूज करना पड़ता है, वही उन लोग पोर्ट 8443 जो आपका 9। देखो 80 स्टेटमेंट पोस्ट यूज टू अलाउ ऑल वेब ट्राफिक, 443 स्टैंड टू पोर्ट यूज टू एनक्रिप्टेड ट्राफिक, ठीक है। एंड पोर्ट 90 कैन यूज टू इंसर्ट अनदर होस्ट बिटवीन द एंड यूजर एंड जी स्केलर पब्लिक सर्विसेज, अटेम्प्ट टू रिडायरेक्ट द यूजर टू स्पेसिफाई बिफोर दे कैन रीच जी स्केलर पब्लिक सर्विसेज। तो ये एक और चीज है कि अगर बीच में कोई आ जाता है तो 909, और ये पोर्ट 80 इज द स्टेट में स्टैंडर्ड पोर्ट यूज बाई ऑलमोस्ट ऑल वेब सर्विस। अब ये ऑल इंश्योर अलाउ पोर्ट 940 फॉर आउटबाउंड ट्राफिक डे डिस डिस्टाइंड डिजाइन DSIT, और जिसके पब्लिक सर्विस एज फॉर द यूजर टू बी आर फॉर एन प्रॉक्सी इंश्योर द प्रॉक्सी इफ यू। अच्छा यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है, एक बार देख लीजिए, इसका डिटेल्स मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली कह रहा हूँ। अच्छा राइटिंग अपॉन अ फंक्शनल यूआरएल होस्ट, देखो कैसे लिखोगे प्रॉक्सी, ये अच्छा ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं रिटर्न डायरेक्ट यही दिखा रहा है। यू कैन ऐड वेरियस एग्रीमेंट योर वेरियस एग्रीमेंट डिफाइन सच इंटरनल और एक्सटर्नल होस्ट मस्ट बी प्रॉक्सीड, एड मोर एड वन नियरेस्ट एग्रीमेंट एट अ टाइम एंड देन टेस्ट एंड कमेंट द पैक फाइल वर्क प्रॉपरली फॉरवर्डिंग सैंपल पैक फाइल। देखो यहाँ पे लिख रहा है ये पूरा ये इसके अंदर और इसके अंदर होगा रिटर्न डायरेक्ट अगर कुछ होता है तो, ठीक है दिखाते हैं हम इसमें। देखिए ये लिखा हुआ है ये इज इन ये होस्ट ये
ये रिटर्न डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्ट चला जाएगा। मैं अभी आप लोगों को कह रहा हूँ, तो जो अगर इंटरनल पैक फाइल है ठीक है, तो आपको कैसे करना है, अगर सोचो आपको और एक नेटवर्क दिया है यहीं पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको तब इसको सोचो, यही आपका पैक फाइल है। मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ यहीं पे, इसको आपने कॉपी कर लिया यहाँ तक, आपको पूरा कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके करना होगा ठीक है। यहाँ पे है कंट्रोल ए, मैं इसको डिलीट करता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया, देखो कैसे आ रहा है। अब तब आपको क्या करना होगा, ये जो है ये जो लास्ट वाला है, इसके नीचे आप करो या इसके ऊपर करो ठीक है। तो जो आपको ये देखो रिटर्न डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आप कैसे करोगे, इसको आप कॉपी कर लो, इसको एंटर मारो, जैसा है पेस्ट करो ठीक है। वन है, आप इसको कह रहे हैं कि दूसरा कुछ आईपी है, अब यहाँ पे थ्री बिठा दो, इसको पूरा फिर कॉपी करना है कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके, उसमें जाके कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है ठीक है, जहां से आपने लिया है जैसे यहाँ ही पे। जब आप इसको खोलोगे, इसको आप एडिट कर पाओगे यहाँ पे, जो आप करेंगे, ये तो नॉन एडिटेबल है, यहाँ पे आप खोल के उसको, जब इसको खोलोगे ना ऐसे ये, तो अभी आपको इसको कंट्रोल ए कंट्रोल भी करना है, पहले कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके लेके जाना है, कंट्रोल भी करना है। तो यही है, उसके बाद आपको करना होगा एग्जीक्यूट रिटर्न होस्टेड फॉरवर्डिंग, देखो एक्सक्लूडिंग होस्ट ठीक है, कैसे आप होस्ट को एक्सक्लूड करोगे, वही लिखा है ना एक्सक्लूडिंग रिक्वेस्ट इंटरनल होस्ट, देखो ये अभी जो एक्सक्लूडिंग इंटरनल होस्ट हम लोग कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर दे रहे हैं पूरा ठीक है, वही हमने जब अभी किया एक्सक्लूडिंग इंटरनल होस्ट, यही जो हमने अभी दिखाया आपको, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके एंटर करके एक दे देना है ठीक है। देखिए खूबसूरत, आपको दो एक हेल्प लेके करना है, फिर आपको बाईपास प्रॉक्सी फाइल दिस सर्वर एक्सक्लूडिंग सर्वर इफ डोमेन होस्टेड मेल डोमेन, अगर हॉटमेल लिखा होगा तो आप इसको बाईपास कर दो, अगर इसी को दोबारा किसी को बाईपास करना होगा तो कैसे करोगे, इसको कॉपी करना है ठीक है, यहाँ पे आना है कंट्रोल भी, हॉटमेल है ना ठीक है, इसको कॉपी करो कंट्रोल सी, यहाँ पे एंटर करो कंट्रोल वी करो, तब इसको हटा देना ठीक है, ये मेल डॉट डोमेन डॉट कॉम ठीक है, ये smit मेल डॉट smit.com, ये आपका हो गया ठीक है। अब इसको कॉपी करो, वहाँ पे जाकर पेस्ट करो, फिर वेरीफाई करो, फिर नीचे वेरीफाई का ऑप्शन आता है, तो यही प्रोसेस है, कैसे भी आपको करना है। अब देखिए जीस क्लियर स्पेसिफाई स्पेसिफाई वेरिएबल्स, हर जगह वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल कैसे हम लोग यूज करते हैं, गेटवे कर सकते हैं, गेटवे मतलब जीस क्लियर का गेटवे, गेटवे होस्ट वेरिएबल, सोर्स आईपी वेरिएबल, कंट्री वेरिएबल, मुझे चाइना से कोई ट्रैफिक नहीं आना, अगर आता है हम उसको प्रॉक्सी में भेजेंगे या उसको अलाउ कर देंगे, यूएस से कोई आ रहा है, कंट्री गेटवे वेरिएबल, अगर कंट्री का गेटवे होता है ठीक है, हर कंट्री में जिस कलर का कुछ है, तो इस कंट्री से अगर आता है तो उसका भी हो, कंट्री होस्टेड वेरिएबल, पोर्ट नंबर, कोई पोर्ट है कस्टम, क्लाइंट कंट्रोल ट्रस्टेड नेटवर्क, जिस ये भी हम देखेंगे ठीक है। एक नीचे देखिए हर एक चीज का है, मैनुअल फेलओवर सेकेंडरी डेटा सेंटर, तो कैसे हम लोग देखिए, पहले है सी सैंपल ठीक है, रिटर्न डायरेक्ट क्लोज, जीएसक्यूएल स्पेसिफाई वेरिएबल कैसे काम करता है, देखिए ये द फॉलोइंग जीएसक्यूएल वेरिएबल गेटवे, अच्छा पहला था गेटवे वेरिएबल, गेटवे वेरिएबल यू कैन यूज जीएसक्यूएल सेकेंडरी वेरिएबल एग्जांपल जो फाइल सर्विसेज फॉर क्लाइंट एग्जाम, रिटर्न प्रॉक्सी, देखिए प्रॉक्सी गेटवे, प्रॉक्सी सेकेंडरी गेटवे, ये हो गया आपका गेटवे वेरिएबल, द जीस्केलर सर्विसेज यूज इस जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी टू क्लोजेस्ट जीएस पब्लिक सर्विसेज विद क्विक रेस्पॉन्स टाइम, दिस वेरिएबल प्रोवाइड यू ऑप्शन ऑप्टिमाइज यूज एक्सपीरियंस ठीक है। इफ योर ऑर्गेनाइजेशन यूज वेरिएबल, देखो सेकेंडरी कैसे, हाउ कैन यू यूज
गेटवे यस रिटर्न प्रॉक्सी 80 80 इंटरनेट पे जाएगा, ई प्योर ऑर्गेनाइजेशन देखे, उसके बाद गेटवे इंडेक्स टोकन, ठीक है, डायनामिक गेटवे टोकन, डायनामिक ये फॉलोइंग यूज द फॉलोइंग इंडेक्स इंक्लूड गेटवे फॉर वेरिएबल प्रैक फाइल डायनामिक, अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो ठीक है, गेटवे होस्टेड वेरिएबल, होस्ट वेरिएबल, अब गेटवे में आईपी बिठाना है, देखो होस्ट सेकेंडरी गेटवे होस्ट, ठीक है, अब डायरेक्ट आईपी भी यूज कर सकते हो, गेटवे होस्ट इंडेक्स टोकन, ये कैसे कैसे यूज करोगे, तो हर एक का सॉल्यूशन तो अभी भी मेरे पास भी नहीं है, तो जिस हिसाब से आपके पास आएगा उस हिसाब से आपको पढ़ के थोड़ा टैग का हेल्प लेके ये काम करना है, लेकिन बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि क्या पैक फाइल है, क्या मॉडिफाई करना है। एक चीज जरूर ख्याल रखिएगा, पैक फाइल को कॉपी पेस्ट कर रखना, जब आप अगर, ये मैं हर इंसान को कहता हूँ कि अगर आपको पैक फाइल में यू हैव टू डू एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, जस्ट कॉपी कंट्रोल ए कंट्रोल सी करके इसको आप अपने सिस्टम में, क्लाइंट सिस्टम में, मतलब जो क्लाइंट के सिस्टम है उसमें सेव करके रखिए और डेट दे के रखिए, दिस इज द लास्ट ए वर्किंग पैक फाइल। अगर सोचिए आपने कुछ मॉडिफाई कर दिया, इट विल इफेक्ट योर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें बहुत बड़ा एस्केलेशन आता है कि भाई मेरा ये चैन बंद हो तो पूरा बंद हो जाता है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसी को पेस्ट कर देना है और अप्लाई कर देना है, देन इट विल वर्किंग फॉर एवरीवन। लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन ये हमेशा करिए पैक फाइल के टाइम में, अगर आप चेंज कर रहे हो, डायनामिक गेटवे होस्ट सेम, देखो होस्ट एफएक्स करके डायनामिक यूज हो रहा है, अब देखिए यह क्या है, सोर्स आईपी वेरिएबल, देखो वेरिएबल में क्या दे रहा है, रिटर्न प्रॉक्सी प्रॉक्सी, ये जो सोर्स आईपी है डायरेक्ट कर दे रहा है, स्पेसिफाई आपको आईपी देना है, ठीक है, कंट्री वेरिएबल, कंट्री में देखो कंट्री का नाम देना है, ये कनाडा दिया है, यहाँ पे आपको INDIA कर देना है, ठीक है, तो आप जैसा आप यूज करोगे उस हिसाब से आपको कंट्री वेरिएबल यूज हो जाएगा, कैसे आप कंट्री वेरिएबल यूज करोगे, ठीक है, कंट्री वेरिएबल देखो कनाडा दिया है, कैसे वो उसमें डीएनएस क्या क्या छोड़ा है, वो कंट्री गेटवे वेरिएबल, तो यही सब एग्जांपल्स हैं, गेटवे इंडेक्स टोकन, कंट्री गेटवे इंडेक्स टोकन, तो इसी हिसाब से आपको देखो डायनेमिक कंट्री गेटवे टोकन, देखो कंट्री गेटवे होस्ट वेरिएबल, ठीक है, कंट्री गेटवे होस्ट, बहुत सारे ऑप्शन है, उस सारे में आपको सब यूज नहीं करना होता है, जब जिस हिसाब से आपको रिक्वेस्ट है, मैंने कंट्री किया, कंट्री किया, कंट्री के ऊपर जो आता है आपका होस्ट मैंने किया, मेरे पास आया था, पोर्ट का भी किया मैंने, कस्टम पोर्ट, पोस्ट में आपको क्या कैसे करना होगा, देखिए दे रहा है रिटर्न प्रॉक्सी प्रॉक्सी, ये देखो गेटवे के बाद कोलोन देखे पोर्ट, पोर्ट हम लोग जैसे यूज करते हैं उस हिसाब से आपको यूज करने के लिए कह रहा है, ठीक है, जीस्केलर टनल टू वेरिएबल, ये टनल टनल अगर है तो कैसे करोगे, ठीक है, सी सैंपल पैक फाइल, सैंपल पैक फाइल देखो क्या दिया है, एक बाईपास प्रॉक्सी रिटर्न, ये रिटर्न डायरेक्ट, इसके अंदर आपको रिटर्न डायरेक्ट के लिए बाईपास के लिए क्या करोगे, ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस देखो ये कह रहा है, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए कस्टम पैक फाइल यूज करो, हाईली रिकमेंडेड द कॉपी एंड पेस्ट द जीस्केलर, ठीक है, कैसे राइट करोगे वही हम लोग दिख रहे थे, अब देखो यहाँ पे दिया है, देखो कमेंट पर रिटर्न डायरेक्ट और रिटर्न डायरेक्ट कमेंट होते हैं, कमेंट यहाँ पे है, ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ये देखो ये दिया है, मैं यही कहना चाहता हूँ, वेरीफाई पैक फाइल करना मत भूलिए, अगर वेरीफाई करने के बाद भी कभी कभी इशू आता है तो इट इज बेस्ट प्रैक्टिस, जीस्केलर को छोड़ो मैं कह रहा हूँ, कॉपी करके उसको एक सेव करके रखना कि लास्ट वर्किंग पैक फाइल, देन यू कैन मॉडिफाई इट, कुछ भी होता है यू कैन इमीडिएटली रिकवर इट, यही बेस्ट प्रैक्टिस है डीआर, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, इससे बेटर सॉल्यूशन कुछ नहीं है, आप कुछ मॉडिफाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको वेरीफाई करो, ओके करो, अगर कुछ इश्यू होता है देन इट विल सेव योर जॉब नॉट एंड योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, ठीक है, फॉर अ ह्यूज एस्केलेशन, चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, फिर मिलते हैं, सब खुश रहिए, बाय।